तो ये अगर तुम्हें रैशनल नंबर्स अगर इंसर्ट अगर करने हैं, ठीक है, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में, तो एक कैटेगरी तुम ऑलरेडी देख चुके हो, उर्वशी ने मेरे ख्याल में वीडियो बनाए होंगे उस पर, और तुम्हें एट्थ में भी वो टॉपिक ऑलरेडी आता था, एट्थ में तुमने सीखा होगा, वो उर्वशी से ही सीखा होगा मेरे ख्याल में। जैसे अगर इस टाइप की अगर तुम्हारे पास दो नंबर्स हैं, 5/7 और लेट्स से 7/6, इस टाइप के अगर तुम्हारे पास दो नंबर्स हैं और इसके बीच में लेट्स से तुम्हें तीन रैशनल नंबर्स या फिर 30 रैशनल नंबर्स अगर मान लेते हो अगर इंसर्ट करने हैं, तो ये वाला तो तरीका बहुत ही आसान सा रहता है। ये इसको लिखो 500/700 लिख लो, ठीक है क्या, और इसको लिख लेते हैं अपन 700/ अच्छा नहीं, ऐसा मत करो। इसको करने का एक सिंपल सा आसान सा तरीका ये रखो, एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेकर पहले डिनोमिनेटर्स कॉमन कर लो, ठीक है एक बार। तो 5/7 को तुम लिख लो ऐसा, ठीक है क्या, इसको कर लो 30/42, ठीक है के बाद, और दूसरे वाले नंबर को तुम ऐसा कर लो इंटू सिक्स, सॉरी इंटू सेवन, और 6 × 7 ये चीज कर लो 49/42, ठीक है क्या। और अब तो बड़ी आसानी से तुम नंबर्स इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है क्या। जैसे 30 इरेशनल नंबर अगर तुमको इंसर्ट करना है तो एक 0 0 ऐसा डाल लो, ठीक है क्या, और बस शुरू कर दो फिर। 300/420 विच इज 5/7, ठीक है, उससे बड़ा क्या हो जाएगा, 301/420, 302/420 ऐसा करते हुए, 330/420 ऐसा, और ये आ जाएगा 490/420, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर दीज वंस, ठीक है, ये अपने रैशनल नंबर्स हो गए, ठीक है, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर, वो ऐसा लिख लेना, ठीक है। तो ये वाली मेथड ऑलरेडी सबको आती है मेरे ख्याल में। फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, और उसके बाद फिर जिस तरीके से मैंने यहाँ पर रैशनल नंबर्स इंसर्ट किए हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स मतलब फ्रैक्शन इस केस में, ठीक है क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी वैसे रैशनल नंबर्स होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स भी एक्चुअल में फ्रैक्शंस एक्चुअल में रैशनल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स या तो तुम्हें इस फॉर्मेट में दिखाई देंगे पी बाई क्यू, या तो इस फॉर्मेट में दिखाएंगे पी डॉट क्यू आर, ऐसा इस टाइप में टर्मिनेटिंग डेसिमल, दिस इज अ फ्रैक्शन, ठीक है, या फिर तुम्हें इस फॉर्मेट में दिखाई देंगे पी डॉट क्यू बार, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग, ठीक है, ये भी तुम्हारा, ये तीनों ही फॉर्मेट तुम्हारे रैशनल नंबर के फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, ऑल आर रैशनल नंबर्स, ठीक है के बाद तो अगर मान लेते हैं इसी चीज को अगर तुम्हें जीरो मेथड के जरिए अगर करना होता तो उसको तुम, अच्छा इसको वैसे जीरो मेथड से मत करना, इसको अपनी ट्रेडिशनल मेथड से ही कर लेना, ठीक है क्या, हो सकता है तुम्हारे जो टीचर्स हैं जो तुम्हारी कॉपी चेक करें वो कहीं भड़क ना जाए, ठीक है क्या। तो ये अपना जो रेगुलर मेथड है क्लास 8th वाला, ये तो उसी तरीके से करना, लेकिन अगर इसको जीरो मेथड से भी अगर तुम्हें करना रहता तो भी बड़ी आसानी से तुम कर पाते, ठीक है। अब लास्ट वाले वीडियो में मैंने इस तरह के इलस्ट्रेशंस वगैरह ऑलरेडी ले चुका हूं मैं, तो उसमें जीरो मेथड से भी इस चीज को किया जा सकता है। जीरो मेथड का असली फायदा तुम्हें तब मिलेगा जैसे अगर मान लेते हैं एक तुम्हारे पास एक इरेशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर है, मान लेते हैं एक √2 है और लेट्स से एक तुम्हारे पास 1/3 है, इसके बीच में अगर तुम्हें मान लेते हैं रैशनल नंबर अगर इंसर्ट करना है तब कैसे करोगे, तब उसमें ये हमें पता है √2 कितना हो जाएगा 1.414 डॉट डॉट डॉट, और 1/3 इज नथिंग बट 0.3 बार, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में अगर तुम्हें रैशनल नंबर्स अगर इंसर्ट करने हैं तो उसमें बहुत ही आसान रहता है, 0.3 है, 0.3 बार है, 0.333, ठीक है क्या। तो कंसिडर ए इक्वल्स टू 0.333 है और एक 1.4 है, गैप बहुत अच्छा खासा है इन दोनों नंबर्स के बीच में, अच्छा खासा गैप है, ठीक है क्या। तो ए बराबर तुम क्या ले लो, 0.4 ले लो, बी बराबर तुम ले लो 0.5, सी बराबर तुम ले लो 0.6, ठीक है एक बार। तो इसमें तीन इरेशनल नंबर्स हो गए, बहुत सारे ले सकते हो, डी ले लो 0.7, ई ले लो 0.7, ठीक है 0.8, ऐसा बहुत सारे, जैसे अभी मैंने 5 इरेशनल नंबर्स लिए तुम्हें। तो रैशनल नंबर्स पिक करने का जो तरीका रहेगा वो हम लोगों का क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है क्या। तो कभी भी जब हम लोगों को रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने होंगे किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, तो पहले तो ऑब्जर्व कर लेना अगर वो दोनों नंबर्स वो फ्रैक्शन फ्रैक्शन टाइप के वाले होंगे, जैसे कि तुम्हारे क्लास 8th वाले सिलेबस में रहते थे ना फ्रैक्शन फ्रैक्शन वाले दो दो नंबर्स, ऐसा ये इस टाइप का झंडू बाम वाले सवाल, तो उसमें तो तुम अपना वही ये झोला छाप मेथड ये वाला अपना लगा लिए, ठीक है। उससे तुम्हारे पास रैशनल नंबर्स आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ओनली, ये देखकर स्कूल टीचर्स बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है क्या।
लेकिन अगर तुम्हारे पास जरा भी अगर कुछ पेंच वाला अगर सवाल अगर आया, जैसे इस किस्म का अगर कोई सवाल आया, ये देखो एक इरेशनल नंबर है, एक तुम्हारे पास रैशनल नंबर है, इस तरह के अगर जरा भी अगर तुम्हारे पास जरा भी कुछ पेंच वाले सवाल अगर आए, तो उसमें अपना बेसिक डेसिमल नंबर्स को, टर्मिनेटिंग डेसिमल को इंसर्ट कर देना, ठीक है क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो तुम्हारा रैशनल नंबर ही होता है। जैसे अगर मान लेते अगला एक सवाल है, 0.23 बार और 0.24 बार के बीच में, ठीक है क्या, इंसर्ट फाइव रैशनल नंबर्स, ठीक है क्या, फाइव रैशनल नंबर्स, इसके दोनों नंबर्स के बीच में अगर तुम्हें पांच रैशनल नंबर्स अगर इंसर्ट करने हैं, तब कैसे करोगे तुम? ये जो चीज लिखी है, ऊपर वाला जो नंबर लिखा है, दैट इज नथिंग बट, उसको देखो अगर तुम थोड़ा ध्यान से, 0.23 23 23 ऐसा लिखा हुआ है, डॉट डॉट डॉट, और ये जो नंबर लिखा है तुम्हारे पास 0.24 24 24 डॉट 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 ऐसा लिखा हुआ है। तो अब देखो जरा, मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स इंसर्ट करने, जो मेरा रूल है, ठीक है क्या, इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स का, वो क्या है, इंसर्टिंग रैशनल नंबर इंप्लाइज इंसर्टिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है क्या, इंसर्टिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ये चीज, ये मेरे को इस बात का ध्यान रखना है पूरा पूरा, ठीक है क्या, इस बात का अपने को ध्यान रखना, क्लियर है क्या बात? ये बात हो गई इंसर्टिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, इस बात का अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है क्या? तो यहां देखो, कंसिडर, अब देखो ये दो डेसिमल, ये एक डेसिमल प्लेस तो तुम्हारी सेम सेम हो गई, ठीक है क्या, जाहिर सी बात है इसमें जो 0.24 बार है वो बड़ा है, ठीक है क्या, तो मुझे 0.23 बार से बड़ा नंबर एक रखना है, ठीक है क्या। तो अगर मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ कि 0.23 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं ये इंश्योर पक्का कर रहा हूँ, ये वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनोगे, अगर मैं 0.23 लिखता हूँ, जैसे मुझे पांच इरेशनल नंबर्स, पांच रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं, तो ए बी सी डी, तुम यहां देखो पांचों रैशनल नंबर्स में मैंने स्टार्टिंग की दो प्लेसेस फिक्स रख दिए, अभी कोई भी नंबर फिक्स नहीं हुआ है, स्टार्टिंग की दो प्लेसेस, वो डेसिमल के बाद वाली दो प्लेसेस मैंने फिक्स कर दी, ऐसा करके मैंने ये इंश्योर किया, नाउ आई हैव इंश्योर्ड दैट ईच वन, ईच ऑफ दीज नंबर्स आर लेस देन 0.24 बार, ठीक है बार, क्योंकि देखो 0.2 के बाद का जो डेसिमल प्लेस है वो मेरा चार से छोटा है, ठीक है बात, तो ये सारे नंबर्स मेरे 0.24 बार से तो छोटे होंगे, ये बात पक्की है। अब मेरे को ये इंश्योर करना है कि ये 0.23 बार से पक्का बड़े हो जाएं, तो 0.23 बार में जो ये नंबर आ रहा है, देखो ये वाला, ये क्या आ रहा है, टू आ रहा है, तो उससे छोटा एक नंबर देखो मैं सभी में पटक देता हूं, ऐसा। Now I have ensured that all these numbers A, B, C, D, E are greater than अच्छा मेरे को 0.23 से बड़ा रखना है ना, तो अगर बड़ा रखना है तो 1 नहीं इंसर्ट करना चाहिए मेरे को, 2 इंसर्ट, 2 भी नहीं, 3 इंसर्ट करना चाहिए, ठीक है क्या, बड़ा रखना है ना मेरे को। यहाँ देखो वापिस से अगेन बता देता हूं मैं, पहले मैंने दो डिजिट्स फिक्स किए डेसिमल नंबर के बाद 0.23, ऐसा करते बराबर मैंने ये इंश्योर कर लिया कि ऑल दीज नंबर्स ए बी सी डी ई आर लेस देन 0.24 बार। अब उसके बाद देखो मेरे को इससे बड़ा रखना है अपना जो नंबर है, तो 0.23 यहां भी 0.23 है, ठीक है क्या, और यहां पर देखो क्या नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है, तो अब मेरे को अगर इससे बड़ा रखना है तो मैं सब में देखो 3 पटक देता हूं, ऑल दीज नंबर्स आर नाउ ग्रेटर देन 0.23 बार, और 0.24 बार से तो छोटे थे ही वो, ठीक है क्या, लेकिन अभी डिफ्रेंशिएट भी तो करना है, अभी तो ये सारे नंबर समान ही है, लेकिन अब मेरे को अलग अलग भी तो करवाना है, तो 1 2 3 4 5 ऐसा कर लेता हूं, ठीक है क्या। नाउ 0.24 0.23 बार से ये सारे नंबर्स बड़े हैं और उनका ऑर्डर ये है, और वो छोटे किससे हैं, तुम्हारे 0.24 बार से छोटे हैं, होपफुली तुम्हें ये लॉजिक समझ में आया होगा। ऑल दीज नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है क्या, ये सारे के सारे नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, हेंस रैशनल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, हेंस रैशनल, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है क्या, ये बात ध्यान में रखना। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड, द रिक्वायर्ड फाइव रैशनल नंबर्स आर क्या क्या हो जाएंगे, ए बी सी डी ई, ठीक है क्या, ऐसा ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
अब ए बी सी डी क्या है देख लो भाई, ये है ठीक है बात। तो इतने लॉजिक के साथ अब मेरे ख्याल में कभी भी अगर तुम्हें रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर किसी भी दो नंबर कोई भी दो नंबर के बीच में इंसर्ट करना हो तो वो तुम बड़ी आसानी से कर लेते हो, ठीक है क्या। जीरो मेथड इज अवर वन एंड ओनली अल्टीमेट मेथड, ठीक है क्या। उसमें बस एक ही क्राइटेरिया तुमको अपने ध्यान में दिमाग में रखना है, उसको इस्तेमाल करने के पहले जो भी नंबर तुम्हारे सामने दिए हुए हो रैशनल इरेशनल बीट एनी नंबर उसका डेसिमल इक्वलेंट जरूर तुम पहले निकाल लेना, उसके बाद फिर तुम अपना रैशनल नंबर इंसर्ट करना इरेशनल नंबर इंसर्ट करना बड़ी आसानी से कर पाओगे तुम, ठीक है बात। ओके okay.